नजरें देखते हैं, चुनाव नजदीक है, क्या अकाउंट बंद वाले कल इनकम टैक्स का नोटिस मिला सर फॉर्म वही मतलब देखिए आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि वो क्या रहा देश के अंदर, देश की डेमोक्रेसी का एक पूरे दुनिया के अंदर अलग स्थान था, उसको जिस रूप में डैमेज किया जा रहा है, यूएन को बोलना पड़ा है कि आप चुनाव चलते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे नोटिस दे सकते हैं। यूएन के बोलने का मायने हैं, यूएन को बोलने का मतलब जितने उनके मेंबर सदस्य हैं दुनिया भर के अंदर, उनमें क्या मैसेज गया देश के बारे में कि चुनाव जो है प्लेइंग फील्ड पे नहीं हो रहा, इक्वल प्लेइंग फील्ड पे नहीं हो रहा चुनाव, और चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। जर्मनी और अमेरिका बार बार टोक रहे हैं कि आपने कैसे अरेस्ट कर लिया उनको, केजरीवाल जी को जो संवैधानिक पद पे थे। तो पहली बार देश के अंदर जो चुनाव के दरमियान में जो हरकतें हो रही है उसको लेकर के जो माहौल बन रहा दुनिया के मुल्कों में, उससे हमारा देश की प्रतिष्ठा बहुत दांव पे लगी हुई है, बहुत दांव पे लगी हुई है, लगती जा रही है। इधर चुनाव धीरे धीरे जो है मीडिया कहने लग गया कि ये चुनाव धीरे धीरे बीजेपी वर्सेस खाली कांग्रेस का नहीं रहेगा, ये चुनाव बीजेपी वर्सेस आम जनता का हो रहा है। बीजेपी वर्सेस आम जनता के चुनाव का मतलब समझ सकते हो, जनता खुद ही उठ खड़ी होगी धीरे धीरे कि ये जिस प्रकार का ताना बाना बुन रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, अकाउंट बंद कर रहे हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पहला एक तरफ इकट्ठा कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं है, नोटिस दिए जा रहे हैं, कांग्रेस को दिए जा रहे हैं नोटिस दिए जा रहे हैं, और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को अरेस्ट किए जा रहे हैं। तमाम बातें जनता के जहन में आ रही है, जानते खाता बंद हो जाता है कि परिवार का तो क्या स्थिति बनती है, और पॉलिटिकल पार्टी का जो चुनाव लड़वाती है पूरे मुल्क के अंदर उसके खाते बंद कर दिए, तो पूरी दुनिया के अंदर हलचल हो गई है। और मोदी जी को चाहिए समझ जाए अभी से ही, वरना ऐसी बेइज्जती होगी उनकी खुद की होगी, लोकतंत्र की होगी, पाकिस्तान की तरह स्थिति बन जाएगी हमारी। पाकिस्तान में चुनाव भी हुए थे एक तरफा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ जो पाकिस्तान था उसको मीडिया के सामने आना पड़ा कि मुझे फांसी लगा दो, मैंने चुनाव में धांधली करवाई है, और मैंने धांधली करवाई उसका मुझे धक्का लगा है, और मैं देश के हित में कह रहा हूँ कि मुझे फांसी लगाओ, सिरा दो, और जिसने मेरे साथ ये कुकर्म किए हैं उन सबको फांसी लगाओ या उनको सजा दो, ये पाकिस्तान में बोलने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो ऐसी स्थिति बन गई है, तो क्या मोदी जी को मैं कहना चाहूँगा, अमित शाह जी को, क्या आप हिंदुस्तान में भी ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं क्या? कभी कभी इलेक्शन कमीशन का भी जमीर जागेगा, उसकी अंतरात्मा जागेगी, उसके परिवार वाले जगा देंगे नहीं तो इलेक्शन कमीशन के मेंबरों को या चेयरमैन की आत्माओं को परिवार वाले जगा देंगे। जैसे निर्मला सीतारमन के हस्बैंड जो मिस्टर प्रभाकर है, प्रभाकरण, उन्होंने क्या कहा है कि ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला जो है, ये घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, दुनिया का, खाली देश का ही नहीं। एक देश की वित्त मंत्री के पति जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कहे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला जो मामूली नहीं है, जहाँ चंदा दो और धंधा लो वाली बात हो गई, ईडी भेजेंगे, चंदा दीजिए, आपका केस खत्म हो जाएगा, धंधा कीजिए आप, ये जो बोले वो, उससे पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनता जा रहा है जिसकी कल्पना शायद मोदी जी भी नहीं कर पा रहे हैं। गांव में और आम लोगों के अंदर, पहले भी वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई थी, इंदिरा जी की गवर्नमेंट चली गई थी, पता नहीं लगेगा इन लोगों का, पता नहीं लगेगा इनको, घमंड भ्रम जो टूट जाएगा, जनता उठ खड़ी हो रही है, और जनता को उठ खड़ा होना चाहिए। मैं आह्वान करना चाहूँगा कि वक्त आ गया कि डेमोक्रेसी खतरे के अंदर देश में, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की ध्वजा उड़ रही है, अगर अभी जनता साथ नहीं देगी
तो जनता भुगतेगी, ये स्थिति बनती जा रही है। बीजेपी के नेता बार बार बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत को अपने बेटे की चिंता, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? हर इंसान को बेटे की चिंता होनी चाहिए, दुनिया भर के अंदर हर इंसान को बेटे की चिंता होनी चाहिए। पर मैं कहना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी के बारे में, मुख्यमंत्री जी के बारे में पहले कह चुका हूँ, नए नए बने हैं तो मैं कोई आरोप लगाना नहीं चाहता, पर मैं उनको सलाह दूंगा कि वो अपने परिवार का ख्याल रखें। मेरे बेटे का तो इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो डेमोक्रेसी है, कोई लड़ सकता है, उसके लिए परवाह है या नहीं है वो तो अलग सवाल है। पर जो खबरें आ रही है वो बहुत खतरनाक आ रही है, उनको मैं सलाह दूंगा वो अपने परिवार वाले जितने भी हैं उनके सगे संबंधी परिवार सहित, उनके बारे में जो खबरें आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है। अभी वो कलेक्टर से मिलने वाली बात है, मीटिंग की बात की गई, वो तो एक वानगी है। तो मेरी सहानुभूति मुख्यमंत्री के साथ में है, मैं चाहूँगा कि अभी वो सचेत हो जाए, वरना उनकी पार्टी के लोग ही उनको एक्सपोज कर देंगे, ये खबर आने लग गई है।